हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ मीशो टॉप हॉल। फर्स्ट वन इज दिस ब्यूटीफुल टॉप, और ये टॉप ना बिल्कुल एकदम कोरियन वाइब दे रहा है। जो मैंने जीन्स की वीडियो अपलोड की थी, उस जीन्स को लेने के बाद आप ये टॉप्स ले सकते हो, क्योंकि ये टॉप सारे उस जीन्स में बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं। इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है। इसका जो कपड़ा है वो पॉलिस्टर का है आई गेस, एंड ये थोड़ा सा गर्मी करने वाला है, तो आप इसको गर्मियों में नहीं पहन पाओगे। जब हल्की हल्की सर्दी आने लगेगी तब ये ज़्यादा आपके काम आने वाला है। इसकी फिटिंग बहुत बहुत अच्छी है, और पीछे इसको टाई करने के लिए भी है, सो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो। सो वो बहुत अच्छी बात है कि आप इस टॉप को अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो। सो नेक्स्ट है ये क्यूट सा पिंक टॉप, एंड इसको तो मैंने बहुत बार पहन लिया है, क्योंकि ये मेरी हर जीन्स के साथ जा रहा है। इसका कलर बहुत प्यारा है, ये इतने फ्लोरल प्रिंट में है ना, ये इतना सुंदर लग रहा है। इस टॉप की बेस्ट चीज़ है ये दिस डिटेलिंग, जो कॉर्ड सेट टॉप में होता है ना, उस तरीके से है, तो ये बहुत सुंदर चीज़ है। एंड उसके अलावा इसमें आगे यहाँ पे इलास्टिक है, पीछे भी इलास्टिक है, यहाँ पे भी इलास्टिक है, स्लीव्स में भी। सो इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इसको ऑफ शोल्डर टॉप भी पहन सकते हो, आपको भी प्लेन जीन्स या कुछ भी प्लेन स्कर्ट भी पहन सकते हो आप इसके नीचे, ये सब पे बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट है ये क्यूट टॉप। अगेन ये वाला टॉप भी मुझे कोरियन वाइब दे रहा है, और ये टॉप का जो कलर है ना वो मुझे इतना सुंदर लगता है, इतना सूदिंग कलर है इसका, और ये समर के लिए बेस्ट है। एंड इसका जो फैब्रिक क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, प्योर कॉटन है, ये बहुत सुंदर है। इसके पीछे इस तरीके से बटन अप करने के लिए है, एंड नीचे ये जो रफल है ना, ये मुझे अगेन इस टॉप के साथ भी एकदम बिल्कुल कोरियन वाइब आ रही थी, एंड ये इतना सुंदर लग रहा था। एंड मैंने कुछ फोटोज़ देखी थी पिंट्रेस्ट पे, उसमें ना मतलब इस तरीके के टॉप पहन के नीचे उन्होंने पैंट पहनी हुई थी या प्लाजो पहने हुए थे, वो इतने सुंदर लग रहे थे। और ये टॉप लेने के बाद मुझे भी लगा कि मैं भी इसको इसी तरीके से स्टाइल करने वाली हूँ, बस मेरी वाइट पैंट ही नहीं मिल रही यार। जब कुछ समझ ना आया ना कि बहुत गर्मी है, बहुत गंदा मौसम हो रहा है और क्या पहने, जस्ट गो फॉर इट। इस वाले टॉप से मुझे प्यार हो गया, मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा, क्वालिटी वाइज भी, फिटिंग वाइज भी, और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। एंड दिस टॉप, लाइक इज दिस अ टॉप? आप लोगों का भी इस पे दिल आया है और आपको खरीदने का मन कर रहा है तो इसको तो मत ही खरीदना। अगर हाँ आप कंफर्टेबल हो इस तरीके के टॉप पहनने में, देन जस्ट गो फॉर इट। आई वॉज श्योर कि ये क्रोशे टॉप है, मतलब क्रोशे से बना हुआ है, तो ये मतलब इस तरीके से नेट वाला ही काम होगा इस पे, दैट वॉज फाइन। बट इसकी बटन देखो, ये बटन है इसका, मतलब कोई क्या पहनेगा यार, इसको क्या सोच के पहनेगा, क्या कॉन्फिडेंस रहेगा उसमें कि इसको पहनने के बाद ये इज्जत बचा के रखेगा इंसान की, कहाँ से बचाएगा यार। मतलब मैं पहन के दिखाती हूँ, पहन के नहीं सॉरी बंद करके दिखाती हूँ। तो ये जिस तरीके से उसमें दिखाया हुआ था, तो ऐसे लग रहा था कि ये बटन अप करने के लिए है, आप इसको खोल के भी पहन सकते हो। तो ये इसके बटन हैं, जो बटन बटन नहीं है ये, मतलब आप इसमें फिट करोगे ना, कहीं पे भी फिट कर दो यार। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फिट किया इसको, ठीक है। इसे बन के आ रहा है, तो फिनिशिंग यहाँ पे बहुत सुंदर है, लेकिन ये देखो निकल गया ना। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि जिसने भी ये क्रोशे किया है ना, बहुत सुंदर क्रोशे किया है, और ये बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं भी क्रोशे करती हूँ तो मुझे पता है कि इतना डिटेलिंग से क्रोशे करना कितनी मेहनत वाली चीज़ है। तो आपने अगर ये ले लिया है तो आप इसको एज अ श्रग यूज़ कर लो, मतलब नीचे आप कुछ भी कैमी टॉप या कुछ भी पहन लो, इसको एज अ श्रग यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है ये व्हाइट टॉप, प्यारा है ना, मतलब ये बहुत सुंदर है। जिनको मतलब कंफर्टेबल नहीं होता ना इस तरीके से क्रॉप टॉप पहनना या फिर कट स्लीव टॉप पहनना, जस्ट गो फॉर इट। डीप नेक भी नहीं है इसका, नेक भी बहुत सही है, स्क्वायर शेप में है, एंड इसकी स्लीव्स भी यहाँ तक है, और क्रॉप है बट इतना भी नहीं है, सो या और ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इसके साइड में चेन है जो बंद तो आराम से हो जाती है, पर खुलती बहुत मुश्किल से। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉप पे, एंड नेक्स्ट टॉप जो है तो ये इस तरीके से है। ये मोस्टली जो सारे टॉप है वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ही होते हैं, सो ये कुछ ऐसा लग रहा है।
इसका कलर बहुत अच्छा है। मेरे को अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस तरीके से स्लीव्स पहनने में, तो आप इसको शर्ट भी ऊपर से डाल सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा लगने वाला है। इलास्टिक है सो ये मतलब किसी भी साइज को आराम से। स्लीव्स मुझे ऐसी ही स्लीव्स अच्छी लगती है, मुझे बिल्कुल पतली स्लीव्स भी नहीं पसंद कि फिर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि आप उसके नीचे क्या पहने। ओके नेक्स्ट टॉप जो है, मैंने सेम कलर में दो टॉप मंगा लिए, ऐसा क्यों किया मैंने। ओके सो नेक्स्ट है ये क्रॉप टॉप, जिसे हम टैंक टॉप भी बोलते हैं। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है एंड आई जस्ट लव इट। इसका कलर इतना खूबसूरत है एंड इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, और मैंने अगेन ये भी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज नहीं मंगाया है सो ये भी फिटिंग काफ़ी अच्छे से आने वाली है। और ये टॉप तो मुझे इतने सही लगते हैं ना, मतलब ये आप शॉर्ट्स के साथ, जीन्स के साथ, किसी के भी साथ कैरी करो एंड इसके ऊपर एक लॉन्ग शर्ट। ये टॉप है ब्लू कलर का, नॉट एग्जैक्टली ब्लू, दिस इज एक्वा ब्लू एंड मुझे ये कलर लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये टॉप भी बहुत अच्छा है, इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ भी है। गाइस सो नेक्स्ट है ये टी शर्ट। इस टी शर्ट को मैंने थोड़ा सा अलग से स्टाइल किया है, मैंने इसको अंदर टक इन कर दिया है। टी शर्ट बिल्कुल एकदम लूज टी शर्ट जैसा है और इसको मैंने यहाँ से टक इन किया है थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए। एंड इसको एक सेकेंड, प्यारा सा कलर है, इतना सूदिंग कलर है इसका और ये किसी के भी साथ चला जाएगा। इसको मैंने ना कुछ इस तरीके से स्टाइल किया है, आप देख सकते हो, एंड इसके साथ जीन्स पेयर करके दिस इज द लुक जो मैंने क्रिएट किया था। और मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना दिया था तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। और ये लूज टी शर्ट है, इसकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। थोड़ा सा स्ट्रेचेबल मटीरियल भी है लेकिन जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये कुछ लिखा हुआ है। ओके सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है ये क्यूट सी टी शर्ट, सॉरी मैंने उल्टी दिखा दी। ये यहाँ से है तो इसमें दो कलर है और दोनों ही कलर बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं। इसको मैंने इस तरीके से स्टाइल किया था और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मैंने जितनी भी टी शर्ट या जो भी मैं टॉप लेती हूँ वो हमेशा मैं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ही लेती हूँ, अनटिल अनलेस उसमें फ्री साइज का ऑप्शन ना हो। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कट स्लीव टॉप नहीं पहन पाते हैं या उनको टैंक टॉप पहनने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है, मेरे को भी होता है, मुझे बहुत ज़्यादा होता है। सो आप लोग ये कर सकते हो कि आप इसको ऊपर से शर्ट डाल सकते हो। ओके सो नेक्स्ट जो है वो भी ये टैंक टॉप है और यहाँ से इसकी एक डिटेलिंग दे रखी है। सो बेसिकली ये इस तरीके से है लाइक दिस। और मुझे ये कलर बहुत टाइम से लेना था, मैंने ना मतलब मैं टर्किश ड्रामा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सो ये एक्वा ब्लू कलर के टैंक टॉप और ये लोग वो लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे भी चाहिए। सो मैंने मीशो पर देखा एंड मैंने ऑर्डर कर दिया। अगेन ये टैंक टॉप है तो आप इसके साथ कोई भी वाइट शिफॉन की शर्ट ले सकते हो या कॉटन की शर्ट भी चलेगी, वो आप कैरी कर सकते हो। अगेन इसका मटेरियल और जो पहले वाले का मटेरियल था वो सेम ही है। ओके सो नेक्स्ट है ये, सॉरी ये सो ये भी इतने अच्छे से दिख रहा होगा लेकिन ये पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। और ये ना बिल्कुल एकदम कोरियन टॉप है, मतलब एकदम कोरियन टॉप जो होते ना कपड़े, कोरियन कपड़े जो बिल्कुल कोरियन वाली वाइब देते, ये बिल्कुल वैसा है। और ये मुझे इतना 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 ज़्यादा अच्छा लगा था और मैंने इसको जब ऑर्डर किया था ना अभी सोच रहा था कि मुझे इसके साथ वो कोरियन बन होता है ना क्यूट से ऐसे ऊपर बनाते हैं वो ही बनाना है। सो तब से मैंने इसको सोच कर रखा था और जब वो आया तो मैंने ये लुक क्रिएट किया। इसके सबसे जो प्यारा सा है ना कि ये ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन, ये बहुत सुंदर है। ये ऐसे रफल की जो ये बिल्कुल डिटेलिंग है ये बहुत सुंदर है। उसके बाद इन्होंने आगे ऐसे बटन दे रखे हैं, ये बटन भी बहुत सुंदर है पर ये बटन खुलते नहीं है, ये बटन सिर्फ ऐसे डिज़ाइन के लिए दे रखे हैं, आपको इसको टी शर्ट की तरह ही पहनना है। आई लव इट। ओके सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस क्यूट टॉप, कैमी टॉप टाइप है, ऐसा है भी, यहाँ पे बटन दिए हुए हैं एंड इसका कलर बहुत सुंदर है। ये वाला कलर तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, मतलब मैंने जो भी जीन्स पहनी हुई है ना जो मैंने मीशो से ली थी उसका भी कलर सेम ही है। सो ये इसी कलर में और ये कलर बहुत बहुत सुंदर लगता है। सो ये पहन के कुछ ऐसा लग रहा था। इसके साथ भी आप शर्ट डाल सकते हो एंड अगेन मटीरियल सबका सेम ही है, वही स्ट्रेचेबल थोड़ा सा, पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, स्ट्रेचेबल है। मुझे
सारे बहुत अच्छे लगे एक्सेप्ट फॉर दैट व्हाइट वन जो बिल्कुल एकदम नेट जैसा आया था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बट उसके अलावा सारे टॉप बहुत बहुत अच्छे हैं। एंड यस, इन केस यू गाइस वंडर कि मैंने इतनी सारी ज्वेलरी को क्यों इतना लहरा लहरा के दिखा रही हूँ, तो क्योंकि मैंने मीशो से ज्वेलरी मंगाई थी और वो जस्ट आज ही आई है, तो मैंने बस ऐसे इतरा इतरा के पहन ली है सारी। एंड नेक्स्ट वीडियो में सारी डेंटी ज्वेलरी कलेक्शन जो है मेरा वही मैं दिखाने वाली हूँ, अगेन मीशो का ही है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, एंड अगर अच्छा लगा है देन वही कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।